अच्छी नहीं है, अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप नॉट खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था आप पे, सवाल ये नहीं है मैं जा रहा हूँ। जिस तरह हरभजन ने उन्होंने ये बात की थी जी, हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। चले जी, पाकिस्तान इंडिया जाना चाहता है, वहाँ तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है। साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना है तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। तो फिर मैं जाऊं बजी भाई के पास जाऊं, वर्ल्ड कप के हवाले से आप लोग कह रहे थे ना कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, मैं कहा वही पाकिस्तान बजी भाई के पास से शनि भाई को ले, मैंने तो नहीं कहा। राइट राइट सर, राइट सर, बजी भाई हाँ आपने नहीं कहा, वो बजी भाई कह रहे थे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स। हां जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं क्योंकि बतौर बजी भाई अगर आप कमेंट करना चाहें, वरना मैंने ये बात करी और बिल्कुल वो बात वर्ल्ड कप में भी फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसमें भी कैसे इतने आराम से आ जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं, आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप नॉट खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था आप इस पे, सवाल ये नहीं है, वी डोंट फील सिक्योर, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं आप लोगों के साथ। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। आईसीसी में सिक्योरिटी, इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इट इज अबाउट सिक्योरिटी। यू टेक द गारंटी कि आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हां तो नहीं आएंगे आपका, अगर की नामवर टीम में भी खेल कर गई और बिल्कुल फर्स्ट आ गई, अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Pakistan. And if you guys can survive without Indian cricket, do it. हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना है तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी उस टाइम। आप कह दीजिए बरादराना मशवरा ले लें, 200 चीजें जिसके चलते बरादराना मशवरा ले लें, पाकिस्तान में कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। आपने मैंने कहा ना कभी वर्ल्ड कप होगा, या अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो उसके बाद इंडिया के वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन मशवरा ये है दो साल पहले पाकिस्तान इंडिया का ही मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था तो ना बोले इतने बड़े बोल, ठीक है लड़के क्यों बोल क्यों ना बड़े बोले भाई, आप कुछ भी बोलो, पहले भी एक जुमला बोल रहे पाकिस्तान को मुझे बोली और 10 विकेट से जीत गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पता है कैसे क्रिकेट चलानी है। जब आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियनशिप अलॉट किया होगा तो बीसीसीआई की हामी होगी ना उसमें, जो आप कह रहे हैं आप स्टेटमेंट को आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। नहीं आप बात को बतंगड़ बना रहे हो, मैंने तो विक्रांत जी के सवाल को आगे बढ़ाया, कहा है कि विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेट, ठीक लगता है तो टीम, विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेट कि हम आईसीसी के इवेंट्स में आएंगे, आप कह रहे हैं नहीं आएंगे, ठीक है आप दोनों की राय में इख्तलाफ है बिल्कुल सही है, बस ठीक है आप दोनों की राय में इख्तलाफ है बिल्कुल ठीक, विक्रांत जी ने कहा कि हम आईसीसी में आएंगे, इसलिए मैं वही सवाल, मेरी राय मैटर नहीं करती, वही सिक्योरिटी कंसर्न्स मेरी राय मैटर कैसे करेगी, आपने कहा आईसीसी में भी नहीं आएंगे, मेरा सिंपल पॉइंट ये है, आप देखिए आप ना वसीम ऐसा है कि आप ना हाइपोथेटिकल्स में चले गए हैं, जैसे कामरान भाई ने बोला कि जी वर्ल्ड कप का मैच ना खेलें, भाई उस चीज की तंकीद होनी चाहिए, हमने तो नहीं की, वो उनका एक मौकिफ है, क्यों है मौकिफ, क्योंकि वो वहां पर बैठकर उनके इमोशंस हैं। हरभजन सिंह कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम जी सपोज कीजिए फर्ज कीजिए पाकिस्तान में सेफ नहीं महसूस करती, ये उनका मौकिफ है, लेकिन इसमें आप हाइपोथेटिकल लगा रहे हैं कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान में होता है तो इंडिया ना, ये किसी ने कहा नहीं है, मैं आपको सिंपल बात कहता हूं कि अगर जिस तरीके से एसीसी ने सीधा बयान दिया, नहीं नहीं मैं मेरी बात सुन लीजिए, अरे सर बात तो सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान को मिला है तो आपको लगता है वो बीसीसीआई के हामी के बिना मिल गया होगा, so BCCI would have also agreed to the ICC का चैप्टर ना कि चलो ठीक है ये 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होगा, एंड आई थिंक ये भी हो सकता है दो साल में हमारे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं,
भाई अरसों से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट तो नहीं हुई, पहले भी नहीं ऐसे, पहले भी ऐसे गैप आते थे फिर होती थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टूडियो में आप या मैं या हम फॉर्मर प्लेयर्स को फुटबॉल बना रहे हैं ये गलत है। भले वो तनवीर कुछ बोल रहे हैं या कामरान बोल रहे हैं या यूनुस भाई बोल रहे हैं, सनी भाई बोल रहे हैं, हरभजन सिंह बोल रहे हैं, मदन लाल बोल रहे हैं, वसीम बदानी, विक्रांत गुप्ता, आई थिंक ये मैटर नहीं करता है। हम सिर्फ एक फुटबॉल की तरह फुटबॉल बने हुए हैं, मैं आपको किक मार रहा हूं, आप मुझे मार रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो है वर्ल्ड कप का मैच। विक्रांत जी, जिस चीज को मुझे जो पहला स्टेटमेंट आपकी तरफ से आया था इस प्रोग्राम में, इस डिस्कशन को आप लेकर आए, फिर आप कह रहे हैं कि फुटबॉल मैच, लेट्स मूव ऑन, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, वापस ले आता हूं मैं, वापस इधर बढ़ते हैं, चले आता हूं, ठीक है, मैं वापस ले आता हूं। विक्रांत जी, पहला स्टेटमेंट आपकी तरफ से आया था इस प्रोग्राम में, इस डिस्कशन को आप लेकर आए, फिर आप कह रहे हैं कि फुटबॉल मैच, लेट्स मूव ऑन, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, वापस ले आता हूं मैं, वापस इधर बढ़ते हैं, चले आता हूं, ठीक है, मैं वापस ले आता हूं। विक्रांत जी, नहीं, सिर्फ एक चीज है, इस बात पे विक्रांत जी के लिए तालियां बजाते हुए वो कह रहे हैं मामा, देखिए इसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं, जिस तरह हरभजन ने, उन्होंने ये बात की कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, वहां पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, चले जी पाकिस्तान इंडिया जाना चाहता है, वहां तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बायलैटरल सीजेस रख ले वहां पे, बायलैटरल सीजेस आ जाए, हम तो हर जगह खेलना चाहते हैं, बट जाहिर है इसकी फाइनल डिसीजन तो रेलेवेंट गवर्नमेंट करेगी, वो मेरा डिसीजन नहीं है, वो मेरा, अब जरा इस पर आते हैं, आपको बता रहा हूं, वो तो देखिए जब सरकार को लगेगा कि हालात ठीक है, तनवीर अहमद जी आप हरभजन सिंह जी से उलझ रहे हैं, कोई क्रिकेट होनी चाहिए तो वो डिसाइड करेंगे, तो क्रिकेट होगी, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई टीम भारत में आई हो, इस मैच में क्या होगा, वाइस कोई दिक्कत हुई हो, इस मैच में क्या होगा, हाँ ये बताएं भाई। नहीं देखिए मैंने एक चीज देखी है, मैं यूनुस से शुरू करूं, विक्रांत क्या कहते हैं, जरूर देखा है भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं कह रहा हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा की जो इंडिया में इज्जत है मैंने देखा, पाकिस्तान में उतनी ही इज्जत है, ये मैंने देखा है। सिमिलरली लेट मी ऑल्सो टेल यू कि बाबर, रिजवान, जितने बड़े पाकिस्तान के स्टार्स हैं उनकी इंडिया में उतनी इज्जत है। और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि हम स्टूडियो में बैठ के लड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग मैटर नहीं करते, जो 22 लोग मैटर करते हैं या 30 लोग मैटर करते हैं, मैं जहां पर खड़ा हूं, ये एमसीजी यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, यूनुस भाई तो बहुत क्रिकेट यहां पे खेले हैं, कामरान भाई भी खेले हैं, आई थिंक वो 15 और 15-30 प्लेयर ना वो लड़ने नहीं आए हैं, वो मैदान में लड़ेंगे। आई थिंक एक चीज जो मैंने देखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्लेयर खुश हैं एक दूसरे के साथ, मीडिया खुश होता है एक दूसरे के साथ, प्लेयर पुराने भी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। फैक्ट इज कि ये वर्ल्ड कप का मैच बड़ा है इंडिया के लिए, इसलिए बड़ा है क्योंकि हम पिछले साल आपसे हारे थे, वो एक्सेस बैगेज भी थी, मेरा ये भी मानना है क्योंकि इतने साल से कभी हारे नहीं थे, और वो शायद वो होता था हर बार आप उम्मीद करते हो यार हारना नहीं है, हारना नहीं है। पाकिस्तान की टीम आपकी अच्छी है लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग जो है वो डिसाइड कर सकती है, 160-170 रन आपकी टीम आराम से चेज करेगी, लेकिन क्या इंडिया 190 रन बोर्ड पे लगा सकता है, 190 रन अगर इंडिया बोर्ड पर लगा सकता है, मेरा ये मानना है फिर ये इंडिया की गेम है। क्रांत, बारिश हो गई क्या आपकी तरफ, आपके आसार देख के तेरे कैसा लग रहा है, मैं आपसे इजाजत ले लूं, बारिश नहीं हो रही है, तूफान आ रहा है, मुझे भागना पड़ेगा, बहुत तेज तूफान, बारिश हो गई, मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं, मजा आ रहा है मैच के बाद भी हम, अरे बरसात नहीं सर, तूफान ये देखिए 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 देखिए, नहीं थैंक यू वेरी मच आपका भी वसीम और यूनुस भाई का, देखिए सनी भाई, सनी भाई चाहता ढूंढ के लाए हैं, और जाते जाते मैं चाहता था कि ओ तेरी ये आवाज देखिए, लाइटिंग बिजली, सनी भाई टीवी लगे, मैं खाना खाने गया था आपकी बड़ी सनी भाई, फाइनल कमेंट आप तो सनी भाई मेक करें, सोचा यार।